आप अपर लिस्ट से? जी नहीं, मैं ससपोल से। अच्छा अच्छा, आप ससपोल से आप चुनाव जीते, तो आपके मुद्दे क्या थे इस बार? मुद्दे मैंने किसी कोई, जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने कोई ठोस वादा नहीं किया कि मैं टावर लाऊंगा, या क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें से 5 में तो नेटवर्क ही नहीं, मतलब हेलो भी नहीं कह सकते। 2020 में हम आए थे, तो वादे में कर सकता था पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है जैसे पैसे बांटते कुछ लोग, ये वादे करना भी उसी तरह लुभाने वाली बात हो गई। तो मैंने अगर कुछ वादा किया तो वो इस पर किया कि मैं जो काम करूँगा वो सिस्टम अच्छे से करूँगा, एक ऑफिस खोलूँगा, मेरे पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लोग अपना अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना उनकी जो डिमांड्स है उनको वहाँ लिख सकते हैं। तो सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, उसमें मैं फोकस करूँगा, बाकी सॉलिड चीज़ें तो होंगी। जो पब्लिक ने आपको जिम्मेदारी जो दी है, सिक्स शेड्यूल एक मेन मुद्दा था आपका, इसको आप कैसे आगे तक ले जाएंगे? सिक्स शेड्यूल का अभी मुझे बाकी मेरे पार्टी की हालत क्या है वो समझ में आए, अगर अच्छे मेजोरिटी में आए तो हम रेफरेंडम, ये एक रेफरेंडम है होगी अगर पब्लिक की तरफ से हम रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, नहीं तो हम अपोजिशन में रह के सिक्स शेड्यूल के लिए लड़ेंगे, और मुझे भरोसा है कि बीजेपी भी इसकी अगेंस्ट नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से सिक्स शेड्यूल के लिए तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो आपको निभाने की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है, मुझे बाकियों के रिजल्ट का मालूम नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल अच्छे से अपना करूँगा।